नमस्कार आदाब। इस समय हम मौजूद हैं सिकंदरपुर में और हम बात करेंगे यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी जो एक जमाने से समाज की सेवा करते चले आए हैं। पुराने लोग थे वो भी समाज की सेवा करते चले आए हैं, तो हम इनसे अभी आपको रूबरू कराएंगे। वैसे ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनको पूरी क्षेत्र की जनता और यहाँ क्षेत्र की जनता ही नहीं पूरा प्रदेश हमको लगता है और हिंदुस्तान लेबर पर भी लोग इनको शेख अहमद अली और संजय भाई के नाम से जानते और पहचानते हैं। ये इनके परिवार से दो बार निकाय चुनाव में दावेदारी की गई है और निकाय चुनाव लड़ा गया है। ये तीसरी बार सिकंदरपुर में महिला सीट घोषित होने के बाद तीसरी बार दावेदारी इनकी पत्नी सायरा बानो करने जा रही हैं, तो इसके बारे में हम इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे कि चुनाव में किस तरीके से इनकी दावेदारी होगी और चुनाव को लेकर इनके क्या मुद्दे होंगे, तो हम इनसे बात करेंगे। हाँ सर बताइए। जी, मेरा नाम शेख अहमद अली संजय भाई है, मैं यहाँ का एक समाज सेवी हूँ और समाज की सेवा करता रहता हूँ। सर, चूंकि विगत वर्षों में हमने देखा है, पिछले शासन काल में हमने देखा है कि जो अभी वर्तमान में जो चेयरमैन रहे हैं, तो किसी तरह की कोई नगर में ना तो साफ सफाई की कोई उचित व्यवस्था देखने को मिली है, जनता का ऐसा कहना है, और ना ही बिजली की समस्या से लोग निजात पा चुके हैं, क्योंकि निजात पाए हैं लोग जूझ रहे हैं बिजली की समस्या से। और दूसरी चीज़ एक ये है कि बरसात के दिनों में यहाँ पे नगरवासियों को पानी निकासी की जो समस्या है उससे बड़ी जूझना पड़ता है और लोग पानी निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस बार तो बारिश नहीं हुई है तो खैर कुछ चलाव है, लेकिन यहाँ पे पानी निकासी की समस्या सबसे बड़ी है। सर, इसके बारे में अगर आप की चेयरपर्सन बनते हैं तो क्या करेंगे? सर मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये हमारे मुद्दे, ये जो आज इतने मुद्दे हैं, ये बहुत पहले से दिमाग में चल रहे हैं हम लोगों के कि सिकंदरपुर को कैसे स्वर्ग बनाया जाए और अच्छे काम जितने हैं कैसे धरातल पर उतारा जाए। तो जब एगो कहावत बागे, जब घरवाहे चेयरमैन बनी कोई के, विधायक के या एमपी के, तो ओकरा काला में रहे कि जनता के फिक्र पड़े, तो बुझे कि विधायक के घर में से निकलनी, हम विधायक चेयरमैन बन गए। जब जनता चेयरमैन बनाएगी तो जनता के प्रति जवाबदेह होगा चेयरमैन। सर, चूंकि आपका परिवार दो बार चुनाव लड़ चुका है चेयरमैनी का और ये तीसरी बार दावेदारी है, तो सर जनता से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जनता से मेरी कोई शिकायत नहीं है, जनता दोनों बार जिताई है हमको जी। तो एक बार लठिया के हराया गया और दूसरे बार सटिया के दुखाया गया, लेकिन एक बार इस बार जनता कह रही है संजय भाई सारा मानो तुम संघर्ष करो, हम डट के तुम्हारे साथ हैं। सर, सिकंदरपुर में शिक्षा को लेकर जो बातें उठती हैं, हमेशा लड़कियों को दूर जाना पड़ता है पढ़ाई लिखाई के लिए और बच्चों को भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है, सर इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या आप करेंगे? देखिए, ये शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार का है, चेयरमैन में एक क्षमता होती है कहाँ तक वो काम करेगा। ये शिक्षा उच्चा का मामला विधायक और एमपी तक का मामला होता है और बड़ी दुख की बात होती है कि हमारे मित्र और हरदिल अजीज विधायक तीन तीन बार हुए और ना कोई डिग्री कॉलेज, ना कोई पॉलिटेक्निक, ना कोई आईटीआई और ना कोई इस किस्म का काम किए हो कि जो कि यादगार बन जाए और सिकंदरपुर विधानसभा का भलाई भी हो। यहाँ पे सर नाली और सड़क की समस्या भी काफी है, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, काम भी होता है सर, तो ऐसा होता है कि वो एक ही महीने में नालियाँ टूट जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, ऐसा कुछ होता है सर, तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि सर सारे कागज पैसे तो बहुत आए हैं प्रदेश से और सारे कागज पे काम हुआ है, धरातल पे काम नहीं हुआ है। आपके पैसे जो आएंगे धरातल पे काम होंगे। सर, सिकंदरपुर गुलाबों की नगरी कही जाती है, यहाँ पे जो पहले इत्र बनाने के कारोबारी थे, जो कारोबार करते थे गुलाब की, जिस बड़े पैमाने पे खेती हुआ करती थी, लोग सिकंदरपुर को फूलों की नगरी से जानते और पहचानते थे, तो ये धीरे धीरे सर ख़त्म होती जा रही है।
और बेरोजगारी भी उसके वजह से फैलती जा रही है, क्योंकि जो लोग वो काम करते थे खेती न होने के कारण ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इस पे सर आपकी क्या क्या विचार है, इसको लेकर क्या आप करेंगे इन फ्यूचर? मित्र बहुत बढ़िया ज्वलंत सवाल आपने किया है। ये 100 परिवार सिकंदरपुर में ऐसा है जो कि गुलाब की खेती से जीता था, उनका परिवार पलता था, और हमारी सरकार ये चाह रही है कि रोजगारी बेरोजगारी दूर हो, कहीं खेती करके कहीं छोटे छोटे कारोबार करके दूर करना चाहती है, और सरकार फोकस डाल रही है कि सिकंदरपुर में गुलाब की खेती को बढ़ावा दिया जाए। सरकार की तरफ से जो भी योजना आएगा उसमें बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि गुलाबों की खुशबू पहले जिस तरह बिखरता तो सर सिकंदरपुर में फिर हवाओं में गुलाबों की खेती का खुशबू फैले। सर ये बहुत लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि 98 की बाढ़ पीड़ित का मामला हो या अभी जो कोविड जिस दौर से लोग गुजरे हैं उसमें भी आपने बहुत लोगों की मदद की है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स घर घर पहुँचाने का काम किया, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो सर जिस तरीके से आप सेवा करते आए हैं, चेयरमैन बनने के बाद अगर शासन से वित्त सहायता अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं होती है जिससे सिकंदरपुर का काम मुकम्मल तरीके से कराया जा सके, तो सर क्या आप अपने सहयोग से क्या करेंगे? सर हमारे पास जो भी क्षमता होगी, हमारे चार भाई हैं और चारों भाई को भगवान ने नवाजा है, अल्लाह ने नवाजा है। ये नहीं है कि हम इस पे आश्रित रहेंगे, जो कुछ बन पड़ेगा हमारे चार भाइयों से उस अपने कमाई से नगरवासियों के लिए हम काम करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी भी समस्या सर यहाँ पे है सिकंदरपुर में, तो वो अधिकार विधायक से ऊपर का है, विधायक का है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आम नागरिक की तरह और ये प्रथम नागरिक होने के नाते अगर जनता बनाती है उसके नाते अपने जनता की भलाई के लिए हर जगह मांग लम करूंगा और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री से भी जाके बात करूंगा कि हमारा सबसे बड़ा ऐतिहासिक कस्बा रहा है जहाँ जलपा भी हैं कल्पा भी हैं, जलपा माँ भी हैं कल्पा माँ भी हैं, आसम साहब जरा भी हैं, जंगली बाबा हैं, एक निगाह हमारे तरफ योगी बाबा हो जाए, हमारे सिकंदरपुर को भी स्वर्ग बना दीजिए, जन्नत बना दीजिए। सर जनता से क्या अपील रहेगी? जनता से ये अपील रहेगी कि एक बार हट के मराइल बनी, एक बार सट के मराइल बनी, एक बार तनी खाली डोट जालो, अब 5 साल कोनो बहुत बोर दिन ना होला, भगवान ने चाही तो कहीं से शिकायत के मौका ना मिली, खाली चरमनिये खाती हिंदू मुसलमान होला, एक बार चरमन बन गईला के बाद फिर यहाँ से हिंदू मुसलमान के भी जनाजा निकल जाए, ए नारा के भी जनाजा निकल जाए। सर यहाँ पे जो सांप्रदायिक ताकतें हमेशा माहौल ख़राब करने की कोशिश करती हैं, कुछ सिकंदरपुर में है और आप हमेशा इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और हमेशा सामने आए हैं, इन चीज़ों को ख़त्म किया है आपने, भाईचारगी कायम रखा है आपने, बनाया है, लोगों को आपस में मिलाया है जुलाया है, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ कोई माहौल ख़राब नहीं है, जब दारू लग जाता है तो 1% 2% लोग हैं, 98% लोग यहाँ मोहब्बत करने वाले आपस भाईचारे वाले हैं, 1% 2% तो हर जगह हैं, लेकिन जब दारू लगा लेते हैं या कोई पीछे से थोड़ा सा हैंडल मार देता है तो कुछ बकबका देते हैं, लेकिन 98% लोग यहाँ के सद्भावना के साथ हैं, यहाँ के जो भारत की संस्कृति उसके साथ हैं, यहाँ भारत प्रेम और भारतवासी हैं और हिंदू सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये हिंदुस्तान हमारा। तो भैया यहाँ पे 1% 2% है, जानते क्या होता है गौर भाई, यहाँ पे अगर मैंने पेन लगा लिया और यहाँ अगर स्याही लीक हो गई और पूरा सफ़ेद कपड़ा है और लेकिन सबकी निगाह वो जहाँ स्याही लीक हुई है वहीं जाता है, तो उसी तरीके से जिस तरह लीक स्याही गंदा करता है उतने ही छोटे लोग इस किस्म के मानसिकता के लोग हैं, लेकिन हमारे सिकंदरपुर के सारे वासी, अड़ोस पड़ोस के वासी, अगल बगल के निवासी, देहातों के लोग, सारे लोग अच्छे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी शेख हमद अली और संजय भाई ने, और ये अपने इस बार के निकाय चुनाव में इनकी दावेदारी बहुत ही जबरदस्त है। और आंकड़ा जो है, रुझान देखने को मिल रहा है, वो तो लोगों को पता ही है। और यहाँ पे और सारे भी कैंडिडेट हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखना ये है कि सिकंदरपुर की जनता इस बार चेयरमैन का ताज किसके सर रखती है। भारत मीडिया के लिए सिकंदरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट गौहर।